हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर, रेडियन फिजिक्स बाय आसिफ मुश्ताक। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इंटरफेरेंस के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, और इंटरफेरेंस में ज़्यादातर जो है सेक्शन हम लोग कवर कर ही चुके हैं। 6 वीडियो अब तक हमारी हो चुकी हैं, और उन 6 वीडियो में हमने जो है पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस चैप्टर, और इसमें वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें हम लोग लगभग लगभग जो है ये मान के चलो कि 60-70% चैप्टर कवर हो चुका। बस थोड़ी सी चीज़ें और बाकी हैं, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज डिस्कस करेंगे इनके ऊपर जो भी चीज़ें हैं, और बाकी 2 पार्ट और हैं इसके, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग बात कर रहे थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसके हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पिछली वीडियो, उससे पिछली वीडियो, 2 वीडियो में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब आपको बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने कवर कर ही लिया होगा। नहीं किया तो जाओ और इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं पहले वो कवर कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हिस्सा है ये इस चैप्टर का, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। इंटरफेरेंस यानी वेव ऑप्टिक्स में अगर सबसे पहले सवाल उठेगा तो यहीं से उठेगा, और इसमें भी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट आपको पढ़ाया था उसमें सबसे पहले सवाल उठेगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें उन सब हम डिस्कस कर ही चुके थे, जो भी बेसिक बातें थी वो सब हम लोग उस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी का अगला पार्ट, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, रेडियन फिजिक्स बाय आसिफ मुश्ताक चैनल आपका है ही, इसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी जो भी प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, रे ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो रिवीजन की पूरी एक जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें रिवीजन सीरीज़ की लगभग 85 to 90 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको, ठीक है। क्वेश्चन आप जो है लगाना स्टार्ट करिए। एग्ज़ाम आपका पता ही है आपको, या तो जो है सेप्टेम्बर में या अक्टूबर में होगा। अगस्त की जो डेट है उस डेट पर तो एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, ठीक है, आगे ही होगा, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, जो भी हो, जैसी कंडीशन रहेंगी उस हिसाब से गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है। तो तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, बस पूरा सिलेबस कर लीजिए टाइम से। बार बार आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, काफ़ी टाइम है आपके पास, आराम से आप सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ग्लास स्लैब इन रे, ग्लास स्लैब प्लेस्ड इन पाथ ऑफ रे, ठीक है, यानी ग्लास स्लैब इन पाथ ऑफ रे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम जो है किसी भी रे ऑफ लाइट के रास्ते में अगर एक ग्लास की कोई भी स्लैब रख दें तो क्या होगा, पहले तो ये सोचा जाए क्या होगा। मतलब अगर हमने स्लैब रख दी, कोई भी टी थिकनेस की स्लैब है एक हमारे पास, वो हमने रख दी तो क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर असर पड़ेगा उस स्लैब को रखने से। तो एक जनरल सा एग्जांपल ऐसी लेते हैं, जैसे जनरल एक अगर बात करें हम, मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, एक तो वो मान लो एक तुम्हारा दोस्त है, दौड़ने के शौकीन हो, तो मान लो 2 ट्रैक के ऊपर तुम दौड़ने स्टार्ट करे, एक रास्ता दूसरा रास्ता। तो एक रास्ते के ऊपर दौड़ना स्टार्ट करे, मान लो उस रास्ते के ऊपर जो है एकदम प्लेन रास्ता है, साफ रास्ता है, दूर तक साफ रास्ता है, और जो तुम्हारे दोस्त का रास्ता मानो वो रास्ते में थोड़ा सा गड़बड़ी है, कुछ हिंड्रेंसेस हैं, मान लो रेत पड़ी है या कोई उबड़ खाबड़ रास्ता है, इस तरीके से कुछ। एक जगह से स्टार्ट करे तुम दौड़ना, साथ साथ बिल्कुल सेम टाइम पे स्टार्ट करें, और कहीं पर पहुंचना है आपको मानो, ठीक है, मान लो 400 मीटर की रेस हो रही है तो 400 मीटर दौड़ के पहुंचना है, तो कौन पहले पहुंचेगा, जनरल बात है, कौन पहले पहुंचेगा, अरे तुम ही पहले पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त का जो रास्ता है वो सही नहीं है, है ना, उस रास्ते में हिंड्रेंसेस हैं, उस रास्ते में गड़बड़ियां हैं, उस रास्ते में थोड़ा जो है रेत पड़ी हुई है, इस वजह से वो इंसान, क्योंकि जब चलेगा तो उसको आगे बढ़ने के लिए अपनी स्पीड कम करना पड़ेगी, कहीं बढ़ाना पड़ेगी, इस तरीके से जो है हिंड्रेंसेज आएंगी, तो वो उसी दूरी को, जबकि दूरी सेम है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको टाइम कम लगेगा, है ना। जैसे एक कहानी सुने होगे तुम, श्वान की और जो है एक बिल्ली की, है ना,
खीर बनाई, फिर आधी आधी बाटी और आधा जो है सेम 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 अमाउंट ले लिया, लेकिन जो है बिल्ली ने अपना चालाकी के चक्कर में अपना जो है खुली थाली के अंदर और उसको एक स्वान ने उसको जो है उसको भी थाली के अंदर रख दिया। तो बिल्ली तो मुँह सा खा लेगी लेकिन स्वान की तो चोच होती तो वो कैसे खा पाएगा, अमाउंट सेम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास दो लाइट वेव्स हैं, एक लाइट वेव ये है और एक लाइट वेव ये है, ठीक है, दो लाइट वेव है बेटा जी, ठीक है, ये दो लाइट वेव हमने यहाँ से चल रही हैं स्पीड से, हमें एयर की बात है, एयर में दोनों चल रही हैं। तो यहाँ पर मान लो हमने इस वाली वेव के रास्ते में एक हमने स्लैब रख दी, ये स्लैब है, ग्लास की स्लैब है जिसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और इसकी मोटाई है मान लो टी, टी थिकनेस की ये एक स्लैब है जिसको हमने इस वाली वेव के रास्ते में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात करी जाए तो यहाँ तक के तो दोनों वेव जो हैं टी इज इक्वल टू, मान लो यहाँ से हम टाइम नापना स्टार्ट करें, टी बराबर 0 पे ये वेव इस पर आकर के टकराई, ठीक है, ये वेव आगे चल रही है, ये वेव भी आगे चल रही है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर बात करी जाए तो इसमें क्योंकि यहाँ एयर है, इस वाली वेव को एयर में चलना, तो एयर में लाइट की स्पीड सी है और ये मीडियम है, मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड है वी ये, और तुम जानते हो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है एयर में, बाकी कोई भी मीडियम तुम लोगे हर मीडियम में लाइट की स्पीड घटेगी, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे डायमंड हो, कुछ भी हो, किसी भी मीडियम में अगर लाइट को लोगे तो वहाँ पर स्पीड लाइट की एयर से हमेशा कम होगी, ठीक है। तो जरा ये देखा जाए कि इस, क्योंकि अब ये वाली देखो वेव जो है, ये वाली वेव एयर में चल रही है, ये वाली वेव इस लाइट के अंदर चली, तो इसका मतलब ये दोस्त है तुम्हारा, जिसके रास्ते में हिंड्रेंस आ गई, ये हिंड्रेंस इतनी रुकावट आ गई, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, जरा इसका टाइम देखते हैं, टाइम ठीक है, देखते हैं ये कितने टाइम में इस स्लैब को क्रॉस करेगी लाइट वेव। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी तय करेगी टी और स्पीड क्या है इसकी वी, इस स्पीड से चलेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो ये आप जानते हो ये म्यू इज इक्वल टू होता है सी और अपॉन में वी। तो अगर यहाँ पर वी को हम हटाना चाहें तो वी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन म्यू, तो फिर ये हो जाएगा टी और अपॉन सी और अपॉन में म्यू, यानी इतना टाइम इसको लग जाएगा म्यू टी अपॉन सी। अब इतने ही टाइम में, जितने टाइम में ये वेव यहाँ से यहाँ आई है, अब जरा ये पता करते हैं ये वाली वेव इतने टाइम में कहाँ पहुँचेगी, तो ये तो आगे निकल जाएगी, ये आगे निकल जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो मान लो ये यहाँ पर निकल गई इसमें, यानी इतनी देर में इस वेव ने दूरी तय करी इतनी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने दूरी तय करी, जितनी देर में ये वाली वेव यहाँ से यहाँ चली उतनी देर में ये वाली वेव यहाँ से यहाँ आ गई है, क्योंकि इस वाली वेव की स्पीड इस वाली वेव से ज़्यादा है, तेज चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये इसके सामने हिंड्रेंस नहीं है, इसके सामने रुकावट है, तो जाहिर ये आगे निकल जाएगी। कितना चलेगी इस वाली वेव की, जो ऊपर वाली वेव है इसकी अगर हमको निकालना हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड और इनटू टाइम, ये स्पीड क्या है इसकी सी, टाइम कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगा ना जितना टाइम में ये यहां से यहां पहुंची, उतने टाइम में ही ये यहां से यहां पहुंची है, समझ के बात, यानी जितने टाइम में ये यहां से यहां, उतने टाइम में ये यहां से यहां, तो टाइम तो सेम है, यानी टाइम हो गया म्यू और इनटू टी और अपॉन में सी, सी से सी कैंसिल, इसका मतलब इसने तय करी म्यू टी, यानी इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, क्योंकि ये टी है और ये म्यू टी है, यानी एक ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको जो एक से बड़ा है, क्योंकि म्यू की वैल्यू कभी भी एक से कम नहीं होती है। तो हमने इसको म्यू से मल्टीप्लाई करा, यानी म्यू की वैल्यू एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस से ज़्यादा है, बस। अब हमको यहां देखना है कि इन दोनों के बीच में, जबकि यहां से साथ साथ चली गई, ये वाली वेव आगे निकल गई, ये वाली वेव पीछे रह गई, तो इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है, यानी इनके बीच में ये जो है ये वाला जो पार्ट है
ये पार्ट आ गया पाथ डिफरेंस, इतना इनके बीच में पाथ डिफरेंस आया। तो इस पाथ डिफरेंस को चलो हम बोल देते हैं डेल्टा एक्स, ये इनके बीच में पाथ डिफरेंस आया। तो अब यहाँ पर अगर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई दिस रे माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाई दिस रे। इस वाली रे ने कितनी दूरी चली है, म्यू टी, और नीचे वाली कितनी चल रही थी, टी। इस वाली वेव ने कितनी चली, म्यू टी, और इस वाली वेव ने कितनी चली, टी। तो अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो ये बच जाएगा, इसका मतलब ये बचा हमारे पास म्यू माइनस वन और इन टू टी। ठीक है, ये होता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो याद रखो, अगर कभी भी किसी भी लाइट रे के रास्ते में एक ग्लास की स्लैब अगर रख दी, तो वो ग्लास की स्लैब उस लाइट के रे को स्पीड को कम कर देती है। ठीक है, स्पीड को कम कर देगी। इसी वजह से अगर एक लाइट रे सीधी जा रही है, एक लाइट रे के रास्ते में स्लैब है, तो दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो पाथ डिफरेंस कितना होगा, म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया, चलो। तो ये तो एक जनरल बात होगी कि अगर दो वेव हमारे पास हैं और ये दोनों वेव अगर चल रही हैं, एक के रास्ते में अगर हमने स्लैब रख दी, तो फिर इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आया। ठीक, अब जरा चलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। वहां पर अगर हम मान लो एक स्लैब रखें, तो स्लैब के रखने से क्या असर पड़ेगा, ये हमको देखना। तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक, देखो, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जिसमें ये थे हमारे स्लिट एस वन और एस टू, और ये थी हमारी स्क्रीन। ठीक है, ये है हमारी स्क्रीन, ये सेंट्रल पॉइंट, ये वो पॉइंट था जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता था। यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो हुआ करती थी, यानी पाथ डिफरेंस ज़ीरो था और फेज डिफरेंस भी ज़ीरो था, तभी यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती थी। ये हमारी एक लाइट वेव और ये दूसरी लाइट वेव, ये दोनों लाइट वेव हैं जो इस वाले पॉइंट के ऊपर पहुँच रही हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस ज़ीरो था, तो उसकी वजह से यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होता था। अब क्या होगा, अब हमने यहाँ पर एक लाइट के रास्ते में मान लो एक स्लैब ये हमने रख दी, और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्लैब है, टी इसकी थिकनेस है, ये हमने रख दी, तो क्या होगा। देखो, अब अगर ये तुमने रखा इसको, तो ये वाली लाइट तो धीमी पड़ जाएगी, है ना, ये वाली लाइट जो है धीमी पड़ जाएगी। तो ये वाली लाइट अगर धीमी पड़ गई, तो अब इनके बीच में तो एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा, जबकि यहां से दोनों साथ साथ चली हैं, लेकिन फिर भी इस पॉइंट के ऊपर अब इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आएगा। ये वाली वेव में और ये वाली वेव में दोनों में पाथ डिफरेंस आएगा, यानी अब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, और जीरो अगर नहीं हुई तो अब इस सेंटर के ऊपर तुमको सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा। समझो 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 कैसे, यहां पर जब ये वेव के बीच में हमने एक स्लैब डाल दी, तो फिर इस पॉइंट के ऊपर कैसे तुम्हें सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि स्लैब अगर डाल दी, तो इसका मतलब दोनों के रास्ते में एक डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर इस वाले पॉइंट के ऊपर हमको सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा। कहां गया फिर सेंट्रल मैक्सिमा, किधर जाएगा। अब देखो, या तो सेंट्रल मैक्सिमा इधर जाएगा, या सेंट्रल मैक्सिमा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे, अब ये हमको सोचना है। सोचो किधर जाएगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा किधर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। हमारी कंडीशन सेंट्रल मैक्सिमा की ये होगी कि सेंट्रल मैक्सिमा तभी बनेगा जब डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो हो, और डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब ये दोनों के इन दोनों लाइट वेव के रास्ते बराबर हों, तब सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा। तो देखो, ये वाली अगर मान लो हमने नीचे पॉइंट लिया,
तो नीचे वाला पॉइंट अगर ले लिया तो ये रे यहाँ से आई, यानी ये छोटी हो गई, और ये वाली रे और बड़ी हो गई, तो वो तो पहले से ही कम थी, यानी छोटा रास्ता तय कर रही थी। अब तुमने उसको और लंबा कर दिया तो फिर तो और ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में, है ना? क्योंकि मान लो ये पहले 4 मीटर चल रही थी, ये मान लो ये 4 मीटर चल रही थी ये, और ये 3 मीटर चल रही थी ये, तो तुमने 4 माइनस 3 वन का, तो इनमें पहले से डिफरेंस था। अब तुमने क्या किया, इसको यहाँ ले आए तो ये तो और घट गया, और ये इसको और बढ़ा दिया तुमने, तो फेज पाथ डिफरेंस और ज़्यादा आ जाएगा। तो मतलब इधर की तरफ तुमको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं मिल सकती। कहाँ मिलेगी? यहाँ। अब यहाँ पर देखो, ये वाली वेव हम छोटी कर देंगे और ये वाली वेव को बढ़ा देंगे, तो सही है। ये जितनी तुमने छोटी कर दी, इस वाली वेव को बढ़ा दिया, क्योंकि ये तेज चल रही है, तो जो तेज चल रही है उसका रास्ता लंबा कर दो, जो धीरे चल रही है उसका रास्ता छोटा कर दो, तो साथ साथ पहुंच जाएंगे, है ना? समझ में आई बात? जैसे मान लो एक इंसान ने दौड़ना यहाँ से स्टार्ट करा, ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, पहुँचना वहाँ तक है, यहाँ तक पहुँच रहा है, और दूसरा इंसान यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो इसको ये स्लो दौड़ रहा है, तो अगर हम इसका रास्ता यहाँ से छोटा कर दिए और ये जो तेज़ दौड़ रहा है इसका रास्ता बड़ा कर दिए, तो साथ साथ पहुँचने का चांस है। लेकिन अगर स्लो वाले को पीछे रख दिए और तेज़ वाले को पास रख दिए, तब तो ये पहुँच ही नहीं पाएंगे, तब तो ये जल्दी पहुँच जाएगा। तो इसीलिए जो जो तेज चल रहा है उसका रास्ता लंबा करो, और जो धीरे चल रहा है उसका रास्ता छोटा करो। तो इसीलिए धीरे चल रहा है तो इसका रास्ता छोटा और इसका रास्ता लंबा, तो यहाँ पर जा कर के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने का चांस है। तो क्या बात बनी? अगर तुम स्लैब रखे तो स्लैब रखने से जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो शिफ्ट हो जाएगा। किधर की तरफ शिफ्ट होगा? जिधर स्लाइड, ये जिधर स्लैब रखोगे, यानी अगर तुम इधर स्लैब रखोगे तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और अगर इधर रख दिए तो ये फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो पूरा का पूरा पैटर्न उधर की तरफ शिफ्ट होता है जिधर की तरफ तुम ये स्लैब रखोगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक पॉइंट तुम लिख सकते हो, होल पैटर्न शिफ्ट टूवर्ड्स साइड वेयर स्लैब इज प्लेस्ड, ठीक है? जिधर स्लैब रखी गई है पूरा का पूरा पैटर्न उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा हमारा बनना चाहिए था वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा अब नहीं बनेगा। अब देखो सेंट्रल मैक्सिमा जरा बनाते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा को बनाते हैं। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा तभी बन सकता है जब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो, ज़ीरो। यानी डेल्टा एक्स कैसे ज़ीरो होगा? पाथ ऑफ रे वन बराबर होना चाहिए किसके? पाथ ऑफ रे टू के। दोनों के पाथ जब बराबर होंगे तभी तो पाथ डिफरेंस ज़ीरो आएगा, ठीक है? तो देखो अब इस पॉइंट के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा बना, तो इस पॉइंट के ऊपर यानी ये वाली गई हमारी एक वेव, मान लो चलो ये पॉइंट है हमारा सेंट्रल मैक्सिमम, और एक वेव गई है इस तरीके से गई है ये, और इस वाली वेव के रास्ते में हमने ये स्लैब रखी है टी थिकनेस की, और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से इस तरीके से ये था हमारा पाथ डिफरेंस, अगर ये डी है तो ये वाली वेव नीचे वाली ज़्यादा चलती थी, डी साइन थीटा ये, ठीक है? और ये डी साइन थीटा जब ये हमारा थीटा हुआ करता था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम ज्वाइन करते थे तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होता था ये। तो आप देखो ये वाली जो रे है नीचे वाली, ये कितना एक्स्ट्रा चल रही है डी साइन थीटा, यानी रे वन, तो ये कितना एक्स्ट्रा चल रही है डी साइन थीटा, ये एक्स्ट्रा चली है। और ये वाली जो रे है ये जिसमें स्लैब रखी हुई, ये कितना एक्स्ट्रा चल रही है, ये एक्स्ट्रा इतना चल रही है क्योंकि जिस रे में हम स्लैब रख देते हैं तो वो एक्स्ट्रा चलती है, कितना चलती है? म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये एक्स्ट्रा चल रही है कितना? म्यू माइनस वन और इंटू टी, इतना एक्स्ट्रा चल रही है। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पर डी साइन थीटा है, तो
हमने बताया था कि यहाँ पर थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो होता बहुत छोटा, जब छोटा होता तो साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर बराबर होती है। तो इस ट्राइंगल से अगर टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा ये देखो शिफ्ट हुआ है हमारा, जो सेंट्रल फ्रिंज है ब्राइट वाला वो इतना शिफ्ट हुआ वाई, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस, ये वाला बेस यानी डी जो स्क्रीन से स्लिट्स की दूरी हुआ करती थी, डी जिसको हम बोलते थे। तो यहाँ पर रख दो जरा ला करके, तो ये हो जाएगा डी इंटू टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी वाई और अपॉन में कैपिटल डी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन और इंटू टी। ठीक है, तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट जो हुआ वो ये हुआ, यानी शिफ्ट इज इक्वल टू कितना, शिफ्ट को ही हमने वाई बोला है यहाँ पर, शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी और अपॉन में स्मॉल डी, ये होता है शिफ्ट। ठीक है, तो अगर तुम कभी भी एक स्लैब रख दिए इंटरफेरेंस पैटर्न में किसी भी एक लाइट वेव के रास्ते में, तो इससे पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा उधर की तरफ जिधर तुमने ये स्लैब रखी है। अगर ये स्लैब ऊपर रखोगे तो ऊपर शिफ्ट होगी, नीचे रखोगे तो नीचे शिफ्ट होगी। बस हमने कंडीशन यहाँ पर ये लगाई है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वहाँ पर बनती है जहाँ पर दोनों वेव का पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है। तो पाथ डिफरेंस जीरो तभी होगा जितना एक्स्ट्रा ये वेव चली है उतना जितना एक्स्ट्रा ये चली है, दोनों बराबर होना चाहिए। ये वाली वेव पहले से चलती थी डी साइन थीटा और ये एक्स्ट्रा चली है म्यू माइनस वन इंटू टी, ये बस बराबर कर दिया हमने, फिर साइन थीटा टेन थीटा की जगह वाई अपॉन डी रख दिया है। इससे हमको शिफ्ट पता चल गया है कि कितना ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। हो गया ठीक, तो देखो आप पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर तुमने स्लैब रखी है। देखो जैसे मान लो अब ये जो पैटर्न है, चलो इसको फिर से बना लेते हैं, एक बार बना लेते हैं। जैसे ये देखो हमारा स्लिट S1 और ये स्लिट S2, S1 S2 ये स्क्रीन, तो पहले हमारा सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता था, यानी ये ओल्ड सेंट्रल मैक्सिमा वाली पोजीशन थी, लेकिन अब हमारा सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनी है। तो अब जो फर्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज है वो इधर बनेगी, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट पहले कौन सी बनेगी डार्क, फिर बनेगी फर्स्ट ब्राइट, फिर बनेगी सेकेंड डार्क, ऐसे नीचे इधर की तरफ बनेगी फर्स्ट डार्क, फिर बनेगी फर्स्ट ब्राइट, फिर बनेगी सेकेंड डार्क, फिर बनेगी सेकेंड ब्राइट, इस तरीके से ऐसे होगा। ठीक है, यानी इस तरीके का पैटर्न होगा। तो अब अगर मान लो पूछा जाए कि जरा बताओ कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन सेंटर से यहाँ से बताओ, तो यहाँ से बताने के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा, देखो ये वाली जो दूरी है तो सेंट्रल सेंटर से शिफ्ट हुआ भाई, और इसके अलावा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ये है, ये है, ये वाई डैश मान लो। ठीक है, तो देखो पहली डार्क पहली ब्राइट फ्रिंज ये अगर पूछी है मानो, तो पहली ब्राइट फ्रिंज वैसे बनती कहाँ है, डी लैम्डा अपॉन डी पर, प्लस इसके ये डी लैम्डा अपॉन डी तो वैल्यू होगी ना, जहाँ बनती थी कहाँ से, सेंटर से, इसमें कितना और ऐड करोगे जो शिफ्ट हुआ वो, और शिफ्ट कितना हुआ म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी और अपॉन में डी, ये शिफ्ट हुआ। ठीक है, इतना इसके अंदर शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो पूछा जाए सेकंड ब्राइड बताओ, तो सेकंड ब्राइड के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा टू डी लैम्डा अपॉन डी प्लस,
शिफ्ट कितना, म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी और अपॉन में टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो एनथ ब्राइट फ्रिंज के बारे में पूछा है तो क्या होगा, एन इंटू डी लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी और अपॉन में डी, ये हो गया चलो। ठीक है, ऐसे ही डार्क फ्रिंज, अगर मान लो बोल दिया कि पहली डार्क कहाँ है, तो पहली डार्क कहाँ बनती है, पहली डार्क बनती है डी लैम्डा अपॉन टू डी पर, ये प्लस शिफ्ट, शिफ्ट कितना हुआ, म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी और अपॉन में डी, ये फर्स्ट डार्क। सेकंड डार्क कहाँ बनेगी, सेकंड डार्क टू थ्री डी लैम्डा अपॉन टू डी यहाँ पर बनती थी, प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी और अपॉन में डी, ये। तो अगर एनथ डार्क बन रही है तो एनथ डार्क बराबर एन माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन डी प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी और अपॉन में डी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होगी एनथ डार्क की पोजीशन और ये होगी एनथ ब्राइट की पोजीशन इन प्रेजेंस ऑफ जो है स्लैब। स्लैब अगर रख दी जाएगी तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नोट करो जल्दी से। हो गया ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर हमने स्लैब रखा है तो स्लैब रखने से इंटेंसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, यानी जो हमारी यहाँ पर फ्रिंजेस बन रही हैं इनकी इंटेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा? देखो, इंटेंसिटी के ऊपर फर्क कब पड़ेगा, जब फेस चेंज हो, क्योंकि इंटेंसिटी हमारी ये थी ना आई बराबर आई वन, मतलब आई, चलो सेम वाली मान लेते, तो फोर आई ये था ना, फोर आई ईच और इंटू कॉस स्क्वायर फाई और अपॉन टू। तो अगर मान लो फेस चेंज हुआ तो फेस चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज होगी, तो यहाँ तो फेस चेंज होगा। ठीक है, फेस चेंज होगा, फेस कैसे चेंज होगा, फेस यहाँ पर डेल्टा फाई इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लेमडा और इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है। ठीक है, तो अगर ये होता है तो यहाँ तो पाथ डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में, कितना आया वो अभी पढ़ ही रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा और कितना पाथ डिफरेंस, म्यू माइनस वन और इनटू टी। तो इसका मतलब फेस चेंज हो रहा है, और अगर फेस चेंज हो रहा है तो फिर इंटेंसिटी भी बदलेगी। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, यानी कोई भी डार्क फ्रिंज, कोई भी ब्राइट फ्रिंज अगर है तो वहाँ पर इंटेंसिटी अब बदल जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट विल चेंज ड्यू टू पाथ डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि पाथ डिफरेंस आया है इस वजह से इंटेंसिटी यहां पर बदल जाएगी। अच्छा ये बताओ जरा, अगर मान लो स्लैब पुट करी है तो स्लैब को रखने से फ्रिंज विथ के ऊपर कोई असर पड़ेगा, फ्रिंज विथ, फ्रिंज की जो चौड़ाई है उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? फ्रिंज की चौड़ाई क्या थी, बीटा बराबर डी लैम्डा और अपॉन में डी, ये। तो ना तो देखो हमने यहाँ पर डी चेंज किया, मतलब जो जो स्लिट्स थे उनके बीच का गैप ना चेंज किया, और ना ही स्क्रीन से स्लिट्स की दूरी को चेंज किया, ना ही वेवलेंथ चेंज हुई है, तो फिर फ्रिंज भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो लिख सकते हो देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज विथ। ठीक है, फ्रिंज विथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, नोट कर लो जल्दी से।
ठीक, चलो अब इस पे भी जरा एक दो सवाल कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कल हमने छोड़े थे, देखो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, 15 कर लो। देखो क्या है 15 में, क्या दिया गया है, कह रहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 15 में दिया है, कह रहा एक ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड थिकनेस, और इसकी थिकनेस दे रखी है 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इज कैप्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द लाइट रे, यानी एक लाइट रे के रास्ते में इसको रख दिया गया है। अब कह रहा है इसमें से बताओ, पहले ऑप्शन में दिया देयर विल बी नो शिफ्ट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि शिफ्ट तो होगा। दूसरे में दिया फ्रिंज विथ विल इंक्रीज, और तीसरे में दिया फ्रिंज विथ विल डिक्रीज, ये तो गलत है क्योंकि फ्रिंज विथ में कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर कह रहा ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे विल इंक्रीज बाई, यानी ऑप्टिकल पाथ का मतलब पाथ डिफरेंस आ जाएगा, कितना इंक्रीज होगा। तो वही है, ये हमारे पास फार्मूला था, पाथ डिफरेंस म्यू माइनस वन और इंटू टी। तो म्यू की वैल्यू है यहाँ पर 1.5 × 10⁻⁴ और इंटू 5 × 10⁻⁴, तो ये कितना हो गया 0.5 × 5 2.5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। सही है, यही सही है। यानी अगर तुमने जो है एक स्लैब रख दी, तो स्लैब रखने से इतना ऑप्टिकल पाथ आएगा, इतना पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, पढ़ते रहो बेटा, करते रहो क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ऐसे खाली पढ़ने से थोड़ी ना। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, 100 बार तुमको बताया है कि क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा तुमको फ़ायदा मिलेगा, क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगला देखो, एक दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी सेंट्रल फ्रिंज जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाल करके मिलती है, इज फाउंड टू शिफ्ट टू ए पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। कह रहा है ये जो मिल रही थी, मतलब हम ये बोला है जैसे फिगर बनाया जाए, ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन पे यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज था। अब ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पर शिफ्ट होता है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की जगह पे, यानी जहाँ पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी उसकी जगह पे ये चला जाता है। ठीक है, आफ्टर ए ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कह रहा जब एक ग्लास प्लेट डाल दी गई 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, तो कह रहा थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट बताओ, यानी जो ग्लास प्लेट का इस्तेमाल किया गया है उसकी थिकनेस हमको बताना कि कितनी थिकनेस की है ये। तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज पर पहुंच गई। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फार्मूला था, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज वेवलेंथ दे रखी है, म्यू दे रखा है, सब कुछ हमको दे रखा है, और इसके सेंट्रल ब्राइट बैंड जो है उसकी शिफ्टिंग हुई है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की जो है बराबर। तो अभी हमने पढ़ा था जो शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट क्या होता है, वाई बराबर म्यू माइनस वन और इंटू टी इंटू डी और अपॉन में स्मॉल डी, ये होता। अब सवाल ने बोला, कह रहा है ये वाई की वैल्यू फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की जगह पर, ये तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब 4d लैम्डा और अपॉन में स्मॉल डी, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज यहाँ बनती है एन इंटू डी लैम्डा अपॉन डी से, बराबर म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी और अपॉन में स्मॉल डी। सही है, बस यहाँ से डी
और ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा। 4 लैम्डा, अब इसको सॉल्व कर लो, 4 लैम्डा यानी ये हो जाएगा 4, थिकनेस हमसे पूछी है म्यू के फॉर्म में पूछी गई है, अच्छा म्यू दे रखा, तो 4 × 6000 × 10⁻¹⁰ रख लेते हैं, मीटर में रख लेते हैं सर, इज इक्वल टू म्यू, डेढ़ है, डेढ़ माइनस वन करोगे 0.5 और इंटू टी पूछा गया, ठीक है, तो टी यहाँ से आ जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 × 24 × 10⁻¹⁷ और डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है, तो ये आएगा 48 × 10⁻¹⁷, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 4.8 × 10⁻¹⁶, यानी आंसर होगा 4.8, अब इसको क्या बोला जा सकता है, माइक्रोमीटर, ठीक है। समझ में आ गई बात, बस इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। जल्दी नोट कर लो, ठीक, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखो जरा, अगर मान लो ये हमको निकालना हो नंबर ऑफ फ्रिंजेस पासिंग फ्रॉम ओ, मतलब जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि ये हमारे स्लिट हैं S1 S2, ठीक, और ये हमारी ओल्ड सेंट्रल फ्रिंज थी, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बैंड था ओल्ड, पहले यहाँ पर पाया जाता था, अब जो है हमारा न्यू सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पर है ये, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा न्यू सेंट्रल ब्राइट बैंड है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस बीच में यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस पाई जा रही हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पर मान लो ये पूरी जो है वैल्यू ये वाई है, वाई हमने पढ़ा था अभी, शिफ्ट था ये वाई, ठीक है, तो अगर ये वाई को हम फ्रिंज विथ से डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगी, क्योंकि फ्रिंजेस इसके अंदर फ्रिंज विथ ही तो मिल मिलकर जो है ये वाई बना होगा, है ना, जैसे पहली यहाँ पर जो है फ्रिंजेस जो होंगी ऐसे चौड़ाई 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 की बनी होंगी, तो कितनी चौड़ाइयाँ हैं उससे अगर वाई को डिवाइड कर दें तो नंबर मिल जाएगा हमको, कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं इसके बीच में, है ना, तो मतलब यहाँ से हमको मिल जाएगा ये शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट इन पैटर्न, और इसको डिवाइड कर दें किससे, फ्रिंज विथ से, तो इससे हमको पता चल जाएगा कितनी फ्रिंजेस हैं इसके बीच में, ठीक है, यानी फार्मूला क्या बनेगा, शिफ्ट क्या था, म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू डी और अपॉन डी ये, और अपॉन फ्रिंज विथ क्या होती है डी लैम्डा और अपॉन डी, तो ये डी से डी कैंसिल, तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ गए, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कभी भी अगर निकालना तो इससे निकल आएगा म्यू माइनस वन इंटू टी और अपॉन में लैम्डा, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, नोट कर लो, सिंपल सी बात है, बस यहाँ से ये देख लो कितना शिफ्ट हुआ ये पैटर्न ऊपर की तरफ, अब इसमें हम ये देख लेंगे कि कितने हमारे जो है फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमको निकालना, तो फ्रिंज विथ से डिवाइड कर लो चौड़ाई कितनी है उससे डिवाइड कर दो, बस पता चल जाएगा म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन लैम्डा, ठीक है, नोट करो जल्दी से। हो गया, चलो अगला एक सवाल कर लेते हैं इसी पे बेस्ड, क्वेश्चन है ये देखो, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करा गया है जिसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, ठीक है, और दो स्लिट के ऊपर डाली गई है, स्लिट का सेपरेशन दे रखा है हमको 5 × 10⁻¹⁴ सेपरेशन दिया, ठीक है, और स्क्रीन की दूरी दे रखी है 1 मीटर, 1 मीटर दूर स्क्रीन है,
जिसके ऊपर पैटर्न को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। एक ग्लास स्लैब रख दी गई एक के रास्ते में 1.5 × 10⁻⁶ मीटर, ये माइक्रोमीटर की, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमको 1.5, ठीक है, ये दे रखा है। तो पहले तो ये पूछा गया है फाइंड द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इफ इंटेंसिटी इज आई नॉट इन द अब्सेंस ऑफ प्लेट, यानी जब प्लेट नहीं थी तो इंटेंसिटी आई नॉट थी, अब प्लेट जब रख दी गई तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, ये हमसे पूछा पहली चीज़ तो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ पूछी गई है हमसे, इसमें कह रहा लेटरल शिफ्ट बताओ, मतलब कितना शिफ्ट हुआ पैटर्न, और पूछा गया है सेंट्रल मैक्सिमा और नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी क्रॉस होंगी सेंटर से, ये पूछा गया। तो अभी तुमको बताया था इंटेंसिटी अगर निकालना तो तुम्हें फेस निकालना पड़ेगा, और फेस निकालना है तो उसके लिए बस फार्मूला भी था डेल्टा फाई बराबर म्यू माइनस तब 2π/λ और इंटू म्यू माइनस 1 और इंटू टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करो 2π/λ, लैम्डा कितना दिया है 500 नैनोमीटर, तो 500 × 10⁻⁹ इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू 1.5 है, 1.5 − 1 कितना हो जाएगा 0.5, थिकनेस, थिकनेस कितनी दे रखी है 1.5 × 10⁻⁶, कितना हुआ टी कितना दिया 10⁻⁶, ठीक है। तो जो सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा 5 × 2 = 10, ये तो 1 हो गया, ये 1.5, तो 1.5 × 10⁻⁶ और पाई और अपॉन में ये कितना हुआ 5 × 10⁻⁷, ठीक है, ये बचा तुम्हारे पास। अब ये बचेगा 0.3 और 6 6 कैंसिल, 0.3 यानी कितनी हो जाएगी वैल्यू 0.3, ठीक है, सही है ना, 5 × 2 = 10 हुआ, ये वैल्यू हो जाएगी 0.3 और इंटू नीचे कितना बचेगा 10⁻⁶ और इंटू पाई यानी 3π, ठीक है, ये फेज डिफरेंस आ गया। अब निकालना क्या है तुमको, यहाँ पर इंटेंसिटी कह रहा, पहले इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी तो अब कितनी है इंटेंसिटी, ये हमसे पूछा गया। तो अब इंटेंसिटी के लिए, क्योंकि हमने ये निकाल लिया कि यहाँ पर जो है वैल्यू कितनी है 3π, अब 3π अगर है तो देखो 3π, π, 3π, 5π, ये सब क्या होते हैं, यहाँ पर हमको डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। तो पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी, अब 3π है, तो अब अगर इंटेंसिटी निकालोगे तो फार्मूला होता I = I new, मतलब मान लो इसको I new = 4cos² और π/2 था हमारा, तो ये हो जाएगा 3π/2, ये ठीक है, 3π/2 का मतलब 180 का 3 गुना का 1.5 गुना, 1.5π है ये, तो इसका स्क्वायर तुम्हें करना, तो ये वैल्यू जो है 3π जो है, ये वैल्यू क्या आएगी 0 निकल करके। तो अब यहाँ का फेस कितना हो जाए, यहाँ की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0, मतलब सेंटर पर जहाँ पर तुमको पहले ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी वहाँ पर अब डार्क फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि यहाँ की इंटेंसिटी कितनी आ रही है निकल करके 0 आ रही है, 3π आया ना, 3π मतलब 1.5π है, 1.5 5π यानी 3/2π, और 3/2π की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 निकल कर आएगी, ठीक है। वैसे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 यानी 270 है, तो कॉस 90 और कॉस 270 दोनों की वैल्यू कितनी होती है 0, इसीलिए 0 आया। दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछी है इसमें, लेटरल शिफ्ट, तो लेटरल शिफ्ट तो यही था हमारा y = यही लेटरल शिफ्ट था, कितना ऊपर की तरफ गया, तो y = μ − 1 × t × d और अपॉन में d, तो ये कितना हो जाएगा μ − 1, मतलब म्यू की वैल्यू 1.5 − 1, तो ये हुआ 0.5, थिकनेस कितनी है 1.5 × 10⁻⁶ और d कितना है 1 मीटर और डिवाइडेड बाई सेपरेशन 5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.1, तो ये हो गया 0.1 यानी ये 0.1, तो ये हुआ 1.5 × 10⁻⁶ और −7 में से 4 चला जाएगा −3 यानी 1.5 mm, 1.5 mm का शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और पूछिए, कह रहा नंबर ऑफ फ्रिंजेस
कितनी पास होंगी, तो नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस निकाल दो। अभी नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस निकालना सिखाया तुमको, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बराबर क्या था, म्यू माइनस वन इंटू टी और अपॉन में लैम्डा। बस तो म्यू माइनस वन कितना, जो म्यू की वैल्यू यहाँ पर डेढ़ है, तो डेढ़ माइनस वन पॉइंट कितना हुआ, फाइव। और टी थिकनेस कितनी है, थिकनेस दे रखी है डेढ़ इंटू टेन की पावर माइनस का सिक्स, और वेवलेंथ थी 500 नैनोमीटर, तो 500 × 10 की पावर माइनस नाइन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से ये कट जाएगा, तो 0.1 फिर बचा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, और नीचे भी कितना हुआ माइनस का 7, तो कितनी फ्रिंज, डेढ़। ठीक है, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी इनके बीच में, डेढ़। नोट कर लो, हो गया। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और करो। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें हमको दिया गया है एक पेपर है, थिन पेपर है, पतला सा एक पेपर है। ठीक है, थिन पेपर दे रखा है हमको, जिसकी थिकनेस दे रखी है, मतलब पेपर की थिकनेस टी दे रखा है 0.02 mm, ये दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है 1.45। ठीक है, कह रहा है एक स्लिट जो है इस पेस्टेड अक्रॉस वन स्लिट, एक स्लिट के अक्रॉस लगा दिया गया, एक स्लिट पे लगा दिया गया उसको। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द पेपर ट्रांसमिटेड 4/9 ऑफ द लाइट एनर्जी फॉलिंग। यानी क्या किया गया कि दो स्लिट थे जैसे ये, ठीक है, तो एक स्लिट पे यहाँ पर पेपर लगा दिया गया ऐसे, तो ये पेपर क्या कर रहा है कि जितनी एनर्जी यहाँ पर पड़ रही है, जैसे मान लो आई है, आई इंटेंसिटी है, तो यहाँ से सिर्फ 4/9 इंटेंसिटी को ये पास कर रहा है बस। ठीक है, तो अब दो चीज़ें पूछिए, कह रहा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। एक तो ये पूछा, कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। ठीक है, और पूछा गया है दूसरी चीज, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ एन आइडियल पेपर पीस इज पेस्टेड ऑन द अदर स्लिट आल्सो। यानी दूसरे पे भी अगर एक पेपर लगा दिया जाए तो कितनी फ्रिंजेस सेंटर से पास होंगी, और जिस लाइट का इस्तेमाल करा गया है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर यह हमको दे रखा। तो देखो अब अगर मान लो यहां से जैसे ये आई पास हो रही है, पहले वाले स्लिट से अगर इंटेंसिटी आई पास हुई, ये मान लो आई वन को हम आई मान ले, ये तो आई टू कितना है, फिर आई टू है 4/9 टाइम्स ऑफ आई, यही तो दिया, हाँ 4/9 टाइम्स ऑफ आई दिया गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी अगर याद हो तो पिछले लेक्चर्स में तुमको पढ़ाया गया अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू अपॉन अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर कर दो, सही है। तो देखो आई वन तो आई है, अंडर रूट आई है ना,
तो ये 4/9 है, तो इसकी जगह हम आई मतलब आई की जगह 1 मान ले रहे हैं, और ये 4/9 हो जाएगा, सिंपल रेशियो हो जाएगा। तो ये 1 प्लस इसका अंडर रूट लोगे तो 2/3 ये, और अपॉन 1 माइनस 2/3, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये 3 × 3 = 5, तो 5/3 ये, और ये 1/3, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो आंसर होगा 25/1। ये तो रेशियो हो गया, ठीक है, ये हमसे रेशियो निकल आया कि मैक्सिमम का और मिनिमम का रेशियो क्या है, ठीक है। अगली चीज़ पूछी है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस सेंटर से कितनी पास होंगी अगर दोनों तरफ हमने ये लगा दिया, तो उससे नंबर ऑफ फ्रिंजेस पास निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बराबर अभी बताई था म्यू माइनस 1 × t और अपॉन में लैम्डा, ये होता। अब म्यू की वैल्यू 1.45 दी है, तो 1.45 माइनस 1 कितना बचेगा, 0.45, और वेवलेंथ कितनी दी है, 600 × 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाई, अच्छा सॉरी टी, यहाँ टी रखना है ना, टी कितना दे रखा है, 0.02 × 10⁻³, और नीचे क्या पुट करना, लैम्डा, और लैम्डा कितना दिया, 600 × 10⁻⁹, ठीक है। आप इससे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, देखो 0.02 है, तो इसको 2 कर देते हैं, 2 कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 0.9 × दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.9 और × 10⁻⁵ अपॉन 6 × 10⁻⁷, ठीक है। आप इससे लिख सकते हैं, देखो 9 और अपॉन 6 × 10⁻⁵, यहाँ कितना होगा 6, तो 10 बच जाएगा, 10, ठीक है, तो 9/6 अगर इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 × 6 = 15, यानी 15 आ जाएगा, ये 15 फ्रिंजेस पास होंगे, 15, समझ में आ गई बात, नोट कर लो, ठीक है। बस सवाल ये था कि यहाँ पर एक पेपर चिपका दिया गया तो इंटेंसिटी इतनी घट गई, बस हमसे पूछा मैक्सिमम का और मिनिमम का रेशियो बताओ, और पूछा कि पेपर चिपका दिया गया तो कितना फ्रिंज पैटर्न जो है वो शिफ्ट होगा, दूसरी दोनों तरफ अगर रख दिया तो कितना फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट, मतलब इसमें कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस सेंटर से पास होंगी, तो ये हो गया टोटल सेंटर से पास होने वाली फ्रिंजेस। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। बस ये इंटरफेरेंस के बारे में हो गया, जितनी भी चीज़ें थी वो सब तुमको पढ़ा दी गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, कुछ फिनोमेना होती हैं इंटरफेरेंस पे बेस्ड, सम फिनोमेना, जैसे देखो पूछा जाता है ये, मतलब जैसे बहुत सारी फिनोमेना हैं रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में, बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस, है ना, जैसे रे ऑप्टिक्स में पूछा जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब बेंडिंग ऑफ पेंसिल किसकी वजह से होता, तो रिफ्रैक्शन की वजह से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता, रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना, रेनबो फॉर्मेशन किस वजह से होता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे डॉक्टर बनने जा रहे हो अगर, तो डॉक्टर बनोगे तो वहाँ पर तुमको एक स्टेथोस्कोप मिलेगा, आला, आले में एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो लगाते हैं सीने पे, चेक करते हैं, है ना, तो वो डायफ्राम कैसे साउंड को पकड़ता है, साउंड को पकड़ने के लिए क्या होता है, इंटरफेरेंस, तो जो आला होता है यानी स्टेथोस्कोप, ठीक है, इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे बेस्ड होता आला जो होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो साउंड वेव्स होती हैं उनको पकड़ता है, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स दोनों के अंदर पाया जाता है इंटरफेरेंस, है ना, तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस पे बेस्ड, इंटरफेरेंस ही इसकी फिनोमेना होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक शिप होती हैं, शिप, है ना, कभी कभी जैसे समुद्र में दो शिप होती हैं, तो दो शिप जो हैं, जैसे एक शिप ने हॉर्न दिया दूसरी शिप को सुनाई नहीं देता, कभी कभी साइलेंस जोन में चली जाती है, और उसकी वजह होती है कि वो शिप दूसरी वाली जो है वो अगर
किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो फिर जो है उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि एक शेप अगर है, मान लो यहाँ पर ये शेप है, दूसरी ये शेप है, तो पानी पर टकरा करके एक वेव जाएगी और एक डायरेक्टली जाएगी, तो ये दोनों जब मिलेंगी तो इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो इसमें जो है, यहाँ पर अगर मान लो ये वाली शिप जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो इसको कुछ सुनाई नहीं देगी, साउंड सुनाई नहीं देगी, ठीक है। ऐसे ही जो सॉफ्ट फिल्म्स होती हैं, जैसे साबुन है, अगर मान लो तुमने पानी में मिला, बुलबुला बना, तो उसके ऊपर देखोगे तो कलर दिखाई देंगे, तो वो कलर्ड फिल्म जो होती हैं उसकी वजह क्या होती है, इंटरफेरेंस, है ना। उनके ऊपर भी यही होता है, पानी के बुलबुले के ऊपर, है ना। तो कलर यहाँ पर लिख सकते हो, कलर फिल्म्स ऑफ सोप कह सकते हो, इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है। ऐसे ही तीसरा बताया तुमको, साइलेंस जोन्स ऑफ शिप्स इज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही था, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो डिफ्रेक्शन की होगी, उसमें हम लोग डिफ्रेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।